क्या डिशवॉशर लेने के बाद में हमको हाथ से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे? क्या इंडियन कुकिंग में डिशवॉशर लेना यूजफुल है? नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। अगर आप डिशवॉशर लेने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि डिशवॉशर लेना चाहिए कि नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा। मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको डिशवॉशर से रिलेटेड माइन्यूट डिटेल्स बताऊंगी कि हमको ये किस तरह से हेल्प कर सकता है या किस एरियाज़ में हमारी ये हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम सेविंग। तो डिशवॉशर एक जैसे कि मशीन है, वॉशिंग मशीन की तरह ही होती है। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं, डिशवॉशर में हम बर्तन धोते हैं। तो डेफिनेटली इट विल सेव योर टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्तन अपने आप से मशीन के अंदर चले जाएंगे। बर्तन आपको एक प्रॉपर तरीके से डिशवॉशर के अंदर रखने होते हैं, तभी वो ढंग से धुलते हैं। और बर्तन जब धुल जाते हैं, उनको निकाल के भी आपको उनको जगह पे रखना ही पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन जो टाइम होता है डिशवॉशर में, जिस टाइम बर्तन धुल रहे होते हैं, वो टाइम आपका ज़रूर सेव हो जाता है। उस टाइम अपने आप और काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर जो आपको काम और निपटाने हो। तो इस तरह से देखा जाए तो डिशवॉशर हमारा टाइम सेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइजीन। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन मेकिंग अ डिसीजन ऑफ टेकिंग डिशवॉशर। डिशवॉशर में बर्तन हमको हाइजीनिकली क्लीन ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर इसमें बर्तन धोए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली डेली में पॉसिबल नहीं होता है हाथ से बर्तन धोने में। प्लस बर्तन जब धुल जाते हैं डिशवॉशर के अंदर, तो वो सूखे हुए ही निकलते हैं, गीले बर्तन हमको नहीं मिलते। उसमें हम रिंसेड यूज़ करते हैं इसके लिए। अगर हम जैसे हाथ से बर्तन धोते हैं तो वो जनरली गीले रहते हैं, और काफ़ी देर तक अगर बर्तनों को गीला छोड़ दिया जाए तो वो अनहाइजीनिक ही होते हैं। इसलिए डिशवॉशर में डेफिनेटली 100% बर्तन हमको हाइजीनिकली क्लीन ही मिलते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी। डिशवॉशर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एनर्जी एफिशिएंट बनाती हैं, और लॉन्ग रन में हमारा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी सेव होता है, क्योंकि डिशवॉशर के अंदर पानी बहुत कम यूज़ होता है, रिसाइकल होके पानी यूज़ होता है, तो उसी में हमारे बर्तन धुलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत मिनिमम यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स। अब डिशवॉशर लेने से पहले हमको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारे घर में मैक्सिमम कुकिंग और ईटिंग किस तरह के बर्तनों में होती है, तभी हमको डिशवॉशर लेने का डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि डिशवॉशर में एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, नॉनस्टिक, वुडन या बिना रिकमेंड किया हुआ प्लास्टिक बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल्स में आपको कुछ शो भी कर दूंगी कि क्या हल हो जाता है ऐसे बर्तनों का। तो अगर आपके घर में इस तरह के बर्तन हैं तो डिशवॉशर लेना कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। डिशवॉशर में क्रॉकरी, स्टील के बर्तन, चिमनी के फिल्टर से ऑयल के कंटेनर्स होते हैं, ये सब तो बहुत ही अच्छी तरीके से धुलते हैं, बिल्कुल हाइजीनिकली क्लीन होके आते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके घर में किस तरह के बर्तन ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब डिशवॉशर के पीछे आप अपने घर के बर्तन तो बदलने जाएंगे नहीं ना। इनिशियल कॉस्ट। अभी आप डिशवॉशर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। उसमें आ जाती है डिशवॉशर की प्राइसिंग। डिशवॉशर एक हाई एंड मॉडल्स में आता है, स्टार्टिंग रेंज ही 40,000 एंड अबव स्टार्ट होती है। उससे ऊपर आप 70-80,000 तक जा सकते हैं, जहां तक मुझे याद है। तो एक ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो कंसिडर दिस ऑल्सो एज अ पॉइंट बिफोर बाइंग अ डिशवॉशर। नेक्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज स्पेस एंड इंस्टॉलेशन। डिशवॉशर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने किचन या यूटिलिटी एरिया में एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, जो कि आप अगर डिशवॉशर ले रहे हैं तो प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ में ही वो मॉडल सेलेक्ट करने के लिए जाएं। और साथ ही में उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट और वाटर सप्लाई का इनलेट और आउटलेट दोनों अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप डिशवॉशर लेने का प्लान करें। अदरवाइज़ आपको वो पूरा एरिया वापस से डेवलप कराना पड़ जाएगा, देन अगेन ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब एक पॉइंट आ जाता है डिशवॉशर लेने से पहले कि क्या इंडियन कुकिंग में डिशवॉशर यूज़फुल है। डिशवॉशर यूज़फुल है, बहुत हद तक है, लेकिन अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग होती है या फिर बर्तन जल जाते हैं खाना बनाते टाइम, तो हमको वो पहले
स्क्रब करके ही डिशवॉशर में डालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो थॉरोली क्लीन नहीं होंगे। फ्राइंग में जैसे तेल के निशान आ जाते हैं कढ़ाई पे या जिस चीज़ में हम फ्राइंग कर रहे हैं, वो डिशवॉशर में एक बार की क्लीनिंग में नहीं निकलते हैं। तो अगर आपके घर में ज़्यादा इस तरह का खाना बनता है तो डिशवॉशर आपके लिए यूज़फुल नहीं रहने वाला है। मेंटेनेंस ऑफ डिशवॉशर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसिडर करने के लिए, क्योंकि कोई भी मशीनरी हम घर पर रखते हैं उसका हमको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना ही होता है, तो डिशवॉशर का भी हमको मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका फ़िल्टर साफ़ करना। जो भी प्लेट्स में कुछ लगा होगा वो डिशवॉशर के फ़िल्टर में ही जाके कलेक्ट होता है, तो हमको फ्रिक्वेंटली साफ़ करना पड़ता है। इसके बाद में जो इंटरनल बॉडी होती है डिशवॉशर की, उसको भी हमको टाइम टू टाइम अच्छे से वाइप कर देना चाहिए। उसके अंदर कोई स्ट्रेंस या वाटर मार्क्स नहीं बनने चाहिए, और जिन एरिया में हार्ड वाटर आता है वहाँ पे हमको फ्रिक्वेंटली सॉल्ट भी डिशवॉशर के अंदर डालना होता है। ये इसके एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट में ही आता है, अदरवाइज बर्तन उस तरह से साफ नहीं धुलेंगे। वीडियो देखते देखते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आर यू इन टीम हैंड वॉश और डिशवॉशर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ डिशवॉशर। तो डिशवॉशर की सबसे बड़ी लिमिटेशंस में ये होता है कि हमको इसके लिए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई चाहिए ही, अदरवाइज इट विल नॉट फंक्शन। सेकंड आ जाता है कि हमको इसके लिए अलग से टैबलेट्स या डिटर्जेंट, रिंसेड और सॉल्ट लेना ही पड़ता है। रेगुलर डिशवॉश लिक्विड या डिशवॉश सोप इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड आ जाता है कि जितनी प्लेट सेटिंग का हमने डिशवॉशर लिया है, अलग अलग प्लेट सेटिंग्स के डिशवॉशर आते हैं 8, 10, 12, 13, 14, उससे ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं रख सकते। ये नहीं कि जिस तरह से जैसे हाथ से बर्तन हम धो रहे होते हैं, 2-4 बर्तन इधर उधर भी पड़े होते हैं तो लाके हम धो देते हैं कि ये काम हो जाएगा। अगर डिशवॉशर की जितनी कैपेसिटी है उतने बर्तन आपने इसके अंदर लोड कर दिए हैं, उसके बाद बर्तन बचते हैं, तो आपको फिर नेक्स्ट साइकिल ही लगाना पड़ेगा। हमारे ये बहुत काम आती है, स्पेशली जब गेस्ट्स आते हैं या जिस दिन मेड नहीं आए या फिर हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है मेड्स के टाइमिंग के लिए, तो उसके लिए ये मशीन बहुत अच्छी है विद इट्स ओन लिमिटेशंस। आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको डिशवॉशर लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने आज आपके साथ में अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ या डिशवॉशर को मैंने बहुत अच्छा बताया है। ये आप अपनी फैमिली और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चूज़ करिए। और हाँ, इसमें भी मेरा एक सजेशन ये है कि जब भी आप डिशवॉशर लीजिए तो मैक्सिमम आप जितना बड़ा ले सकते हैं उतना बड़ा लीजिए। हमारे घर में गेस्ट्स भी आते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोच के लेते हैं कि हमारी फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग ये डिशवॉशर सही है, फिर भी कई बार हमारे घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन इस तरह के होते हैं जो हमको धोने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जितना आपने प्लान किया हो उससे बड़ी कैपेसिटी का डिशवॉशर लेंगे तो वो हमेशा यूज़फुल रहेगा। और नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि डिशवॉशर में बर्तन किस तरह से हम मैक्सिमम लोड पे रख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसमें भी मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके काम में आएंगे अगर आप डिशवॉशर लेने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया, डिशवॉशर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या हॉल्ट पे रख दिया है अभी लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।